हेलो दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन कोरबा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी आपने देखा मिनी एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, दो ट्रांजिस्टर 5200 के मदद से बना हुआ 80 वाट का मिनी एम्पलीफायर आपके सामने था। दोस्तों इस वीडियो में हम इसकी बारीक जानकारियों को अभी सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम इसे बनाएंगे कैसे, इसे असेंबल कैसे करेंगे। इसके लिए हमें दो 2SC5200 पावर ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक 50 के का वॉल्यूम कंट्रोल ले लेंगे। हमें 220 UF 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। हमें एक 1 के का रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हमें वॉल्यूम कंट्रोल में फिल्टर करने के लिए 104 दो पीस PF की ज़रूरत पड़ेगी। एक पावर स्विच लेंगे और इसे हम ऑपरेट करने के लिए यह USB प्लेयर की सहायता से हमें ऑपरेट करना है, तो हमें एक USB प्लेयर किट की ज़रूरत पड़ेगी। और इस एम्पलीफायर के लिए इतना सामान की ज़रूरत है और इसे चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसके लिए एक 12 वोल्ट का पावर एडाप्टर ले लेंगे। और हमें USB प्लेयर को चलाने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो हम 12 वोल्ट का एडाप्टर लेंगे उसी से हम इस वोल्टेज रेगुलेटर की सहायता से 7805 ट्रांजिस्टर है ये, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए ये हमें 5 वोल्ट आउटपुट सप्लाई देगा। अगर हम इसमें 12 वोल्ट इनपुट कराते हैं तो ये हमें 5 वोल्ट आउटपुट की सप्लाई देगी। और 5 वोल्ट आउटपुट बनाने के लिए हमें एक 100 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी और एक 16 वोल्ट 25 UF की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों हमारे पास 16 UF नहीं है, हमारे पास अभी 10 UF 25 वोल्ट है, तो हम इसी से काम चलाएंगे अभी। और इसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस 1K की ज़रूरत पड़ेगी इस LED को ऑन करने के लिए। दोस्तों हम LED का पावर 5 वोल्ट से ही लेंगे, तो लगभग इतने ही सामान की हमें ज़रूरत है। और एक हीट सिंक की ज़रूरत पड़ेगी, तो इतना सामान से ही हम इस मिनी ऑडियो एम्पलीफायर को बनाएंगे। तो दोस्तों आइए हम इसकी पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, किससे हम कहां लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 5200 पावर ट्रांजिस्टर है, 2SC5200। इसका 3 पिन वाला ट्रांजिस्टर है, जो पहला बेस है, कलेक्टर है, एमिटर है। हम दो पीस का उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह से डायग्राम हो जाएगा। बेस, कलेक्टर, एमिटर। दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए हम दो पावर ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं और दो पावर ट्रांजिस्टर को पैरेलल में, यानी कि इसकी जो क्षमता है और इसकी जो क्षमता है, हम इन दोनों को एक साथ मिला करके इसका जो टोटल आउटपुट है हम उसका यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम दोनों को मिला देंगे। पहले दोनों को मिलाने के लिए आपका एमिटर जो है एमिटर में कनेक्शन हो जाएगा, आपका कलेक्टर जो है वो कलेक्टर में कनेक्ट हो जाएगा, और जो आपका बेस है वह बेस में कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम इन दोनों पावर ट्रांजिस्टर का संयुक्त रूप से यूज करना चाहते हैं, इन दोनों की कैपेसिटी को यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने दोनों को एक साथ मिला दिया। अब हमें इन दोनों का पावर एक साथ प्लस होकर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमारा यह जो कलेक्टर है, इस कलेक्टर से हमें स्पीकर के लिए आउटपुट मिल जाएगा। ये हमारा स्पीकर हो गया और यह नेगेटिव सप्लाई है दोस्तों, तो यह नेगेटिव में हमें कनेक्ट करना है। और जो इसका पॉजिटिव हिस्सा है, उस पॉजिटिव हिस्से को हमें 12 वोल्ट से डायरेक्ट सप्लाई दे करके जोड़ना है दोस्तों। ठीक है, अब हम इसे इनपुट दे देंगे। इनपुट देने के लिए अगर हम इस रोटरी का वॉल्यूम कंट्रोल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आपको एक बेस में 220 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर की सहायता से
आपको इसमें कनेक्ट कर देना है, जिसका पॉजिटिव हिस्सा इस तरफ रहेगा और नेगेटिव हिस्सा आपका इस तरफ रहेगा। उसके बाद आपका बेस और कलेक्टर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू में आपको कनेक्ट कर देना है। 1K का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगेगा, सिग्नल इनपुट, यह सिग्नल इनपुट मोबाइल से आए या पेन ड्राइव से आए, यूएसबी ब्लेड से किसी से भी आए, उसका एक हिस्सा इसमें जाएगा और आपका दूसरा हिस्सा ईमीटर में आपको सोल्डिंग कर देना है। ठीक है दोस्तों, 12 वोल्ट का यह पॉजिटिव था और यह नेगेटिव, नेगेटिव हिस्सा आपका इस सिग्नल में प्लस जोड़ देना है और इसी नेगेटिव को आपका इमीटर में सप्लाई दे देना है दोस्तों। नेगेटिव सिग्नल इन, दोस्तों ध्यान देंगे, सेकंड 5200 ट्रांजिस्टर का इमीटर लास्ट वाले 3 नंबर वाले पिन में आपको सिग्नल का इनपुट देना है, -12 वोल्ट की आपको इसमें सप्लाई भी देना है और इसके कलेक्टर से बीच वाले पिन से आपको स्पीकर के लिए एक आउटपुट निकाल लेना है। 12 वोल्ट का पावर सप्लाई का प्लस हिस्सा डायरेक्ट इसमें आ जाएगा दोस्तों, यह आपका स्पीकर बजने लगेगा। दोस्तों यह इसका बेसिक डायग्राम हो गया। अब हम दोस्तों इसमें यूएसबी पेन ड्राइव का यूज करना चाहते हैं, तो यूएसबी पेन ड्राइव में आप देखेंगे तो एक ग्राउंड है, यह ग्राउंड हो गया और +5 वोल्ट, यानी कि इस यूएसबी प्लेयर को चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, एक ग्राउंड हो गया और एक पॉजिटिव 5 वोल्ट की आवश्यकता है। उसके बाद यह हमें आउटपुट देगा, सिग्नल आउटपुट देगा, जो भी यहाँ पर हम गाना बजाएंगे ब्लूटूथ की सहायता से या पेन ड्राइव की सहायता से, तो उसका सिग्नल आउट होगा। यह जो बीच वाला हिस्सा है यह ग्राउंड है और इधर वाला आपका राइट चैनल है और लेफ्ट चैनल है। दोस्तों हम इसमें राइट और लेफ्ट चैनल यानी कि दो स्पीकर बजा नहीं रहे हैं अलग अलग जोन से, हम इसमें एक ही जोन का यूज कर रहे हैं, तो यह मोनो हो जाएगा। अब आपका आर और एल दोनों को मिला करके आपका यहाँ से ग्राउंड आएगा और लेफ्ट और राइट चैनल आएगा। इन दोनों लेफ्ट और राइट को एक साथ करके दोस्तों अगर हम वॉल्यूम कंट्रोल का यूज करते हैं, तो वॉल्यूम कंट्रोल में 3 पिन रहेगा। इस सिग्नल को आपका 3 नंबर पिन में लगाना है और जो ग्राउंड है उस ग्राउंड को आपको पहले नंबर पिन में लगाना है और यह जो इनपुट है यह सेंटर में आपका चला जाएगा दोस्तों, और यही ग्राउंड आपका इसमें आके अटैच हो जाएगा, तो यह वायरिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यूएसबी को चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट प्लस माइनस की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से, यह माइनस पॉइंट है और यह प्लस पॉइंट है दोस्तों, 7-8 ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे हम, 7805 का। इसका पहला पिन जो है, दूसरा पिन और तीसरा पिन, इसका पहला पिन इनपुट होता है और बीच का पिन ग्राउंड होता है, तो आपका माइनस आपका डायरेक्ट इसमें हो जाएगा और जो +12 वोल्ट है +12 वोल्ट पहले नंबर पिन में चला जाएगा। उसके बाद हम बीच वाले पिन से एक वायर निकालेंगे तो ये हमें -वोल्ट मिल जाएगा और इसकी सहायता से हमें +5 वोल्ट मिल जाएगा। और इसको स्मूथ बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे पैरेलल में, यानी कि प्लस और माइनस के बीच में, माइनस और प्लस के बीच में माइनस हिस्सा इधर रहेगा और प्लस इधर रहेगा, 100 UF 25 वोल्ट की एक कैपेसिटर लगा देंगे और स्मूथ आउटपुट के लिए एक हम 16 वोल्ट 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा देंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी जो इसमें चले जाएगा। बस दोस्तों यही है इसका डायग्राम, और इस डायग्राम को हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए उसके लिए बॉडी की जरूरत पड़ेगी जो टीने की रहती है, हमारे पास टीने की बॉडी नहीं है, हमारे पास रिफाइंड तेल का यह पुट्ठा है,
हम इसी पुट्ठे की सहायता से हम अपना एम्पलीफायर बनाएंगे। दोस्तों यह मैंने काट लिया है, कटिंग कर लिया है, अब इसी में हमें कैसे भी करके डिजाइन करके बनाना है। दोस्तों हंसने की बात नहीं है, यह जब हमारा बेंड होगा तो ऐसा बेंड हो जाएगा, और वेंटिलेशन का भी मैंने ध्यान रखा है, यह वेंटिलेशन हो जाएगा। दोस्तों कोई बात नहीं, हंसी आ रही है, जब बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। दोस्तों गत्ते का या सामने का प्लेट है जिसमें हमारा ऑन ऑफ और USB प्लेट लगेंगी। दोस्तों कैसे दिख रहा है? दोस्तों हमने यहाँ पावर ट्रांजिस्टर और 7805 को यहाँ माउंट कर दिया है, और इस गत्ते के पीछे में हमने इसे स्क्रू से टाइट कर दिया है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें वायरिंग करते हैं दोस्तों। हमारा वायरिंग करने का तरीका कुछ दूसरा रहता है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हमारी ये नेगेटिव सप्लाई हो जाएगी। दोस्तों हमारा यह लाइन बन गया है, अब यहाँ पर पॉजिटिव लाइन बनानी है छोटा सा, और दो हिस्से में रहेगा क्योंकि हमें स्विच भी लगानी है पॉजिटिव में। दोस्तों यह हमारा प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट, यहाँ से सर्किट ब्रेक है क्योंकि स्विच लगाना है। इसके बाद यह प्लस 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ आएगी, यह प्लस और माइनस स्पीकर आउट, ठीक है दोस्तों। यह हमारा नेगेटिव सप्लाई है दोस्तों, और यहाँ से हम इसमें आउटपुट देंगे तो यह हमारा प्लस 5 वोल्ट बनेगा। दोस्तों अब हम सोल्डिंग करते हैं। दोस्तों 5200 का पहला पिन बेस, इस बेस को मैं दूसरे 5200 के बेस में ज्वाइन कर दिया। आपका कलेक्टर है सेकंड पिन, कलेक्टर को कलेक्टर से दूसरे वाले 5200 के। तीसरा पिन एमीटर होता है, एमीटर को एमीटर से जोड़ना है, बेस टू बेस, कलेक्टर टू कलेक्टर, एमीटर टू एमीटर। सर्किट डायग्राम के अनुसार दूसरा 5200 है उसका बीच वाला कलेक्टर का स्पीकर में कनेक्शन जाएगा, इसका जो बीच वाला कलेक्टर है वह स्पीकर के माइनस में जाएगा। दोस्तों बीच वाला पिन से माइनस सप्लाई मिलेगी हमें स्पीकर के लिए, प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई सीधा आपका स्पीकर में चल देगा, यानी कि यह 12 वोल्ट आपके स्पीकर में जाएगा। दोस्तों यह प्लस 12 वोल्ट आपके स्पीकर के प्लस 12 वोल्ट में चल देगा डायरेक्ट। सर्किट के अनुसार यह प्लस 12 वोल्ट आपके स्पीकर में भी जा रहा है, और आपके 7805 में भी जा रहा है दोस्तों, और नेगेटिव भी जो ग्राउंड है नेगेटिव आपका वह 7805 के सेंटर पिन में जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें हमारा एक यहाँ से और एक पॉजिटिव और दोनों के बीच में एक 100 वोल्ट का UF लगा देंगे दोस्तों। पॉजिटिव सप्लाई यह 12 वोल्ट है दोस्तों, और यह पॉजिटिव सप्लाई हमारे 7805 के इनपुट में चल देगा। यह आपका इनपुट है, यह आपका ग्राउंड इनपुट है, यह माइनस सप्लाई बन जाएगी, और यह ग्राउंड इनपुट यहाँ से इनपुट हो जाएगा उसे ग्राउंड, और यहाँ से हम ग्राउंड ले लेंगे तो यह हमारा सेंटर में इन हो जाएगा, और यहीं से एक वायर हमें आउट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब प्लस हम इनपुट में डाल दिए हैं पहले पिन में, अब यहाँ से हमें 5 वोल्ट की आउटपुट प्राप्त होगी, इससे हमें यहाँ ले आना है दोस्तों। दोस्तों यह हमारा प्लस 5 वोल्ट आउटपुट है, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। यह हमारा प्लस 5 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। माइनस 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट दोनों के बीच में 16 हुए 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाना है दोस्तों। माइनस इस तरफ रहेगा और प्लस इस तरफ रहेगा,
और प्लस हिस्सा इस तरफ रहेगा दोस्तों, प्लस इधर और माइनस इधर 100 VF 25 वोल्ट कैपेसिटर लगा देंगे। दोस्तों बेस और कलेक्टर इसमें हम 1K का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। डायग्राम में प्लस इस तरफ है और माइनस इस तरफ है, 220 वोल्ट 1K लगा लिए। अब 220 UF आपका बेस में लगाएंगे, प्लस इस तरफ रहेगा, यानी ये प्लस माइनस बाहर रहेगा और प्लस इस तरफ रहेगा। यह प्लस ये भी लग गया दोस्तों हमारा, 220 UF प्लस इस तरफ है, माइनस इस तरफ है। यह हमारा इनपुट है जो कि वॉल्यूम के सेंटर पिन से लगेगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो जितना भी सर्किट डायग्राम था, हमारा पूरा सर्किट डायग्राम रेडी हो गया है। ठीक है दोस्तों, यह अंदर का पूरा हिस्सा रेडी हो गया है। अब दोस्तों हमें वॉल्यूम, USB प्लेयर, ऑन ऑफ स्विच, LED इसको लगाना है दोस्तों। दोस्तों यह हमारे सामने का प्लेट है, ठीक है, और इसके लिए हमने यह एक प्रिंट आउट लेके रखा हुआ है। इसमें हम पहले चिपकाएंगे इसको, उसके बाद इसमें हम बाकी सामान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसे हम चिपका लेते हैं, चिपकाने के बाद बाकी सामान लगाते हुए आपको वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों ये हमारा USB प्लेयर है, हमने ऑन ऑफ स्विच को माउंट कर दिया है, एक LED माउंट कर दिया है, और ये आपका USB प्लेयर इसे भी हम माउंट कर रहे हैं। 50K का वॉल्यूम कंट्रोल हमने इसे भी माउंट कर दिया, तो हमारा सामने का पोजीशन आप देख रहे हैं, USB प्लेयर लग गया, हमारा नॉब लग गया, वॉल्यूम लग गया, पावर के लिए हमारा ऑन ऑफ स्विच हो गया और ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन ऐसा कर लेते हैं। आपको मैं बताया था यह आपका ऊपर की तरफ प्लस है और नीचे की तरफ माइनस 5 वोल्ट है। यह प्लस है और यह माइनस है, यह पावर हम लगा दिए, LED लगाने की बारी है, तो LED हम डायरेक्ट यहां से भी ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों LED के पॉजिटिव में मैंने 1K का एक रेजिस्टेंस लगा दिया हूं। अब इसे माइनस सप्लाई और प्लस सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपकी माइनस सप्लाई हो जाएगी इसके लिए, यह प्लस सप्लाई हो जाएगी दोस्तों। प्लस हम स्विच ऑन होने के बाद लेंगे, यानी कि यहां से लेंगे हम। और इसका माइनस यहीं से मिल जाएगा, यह माइनस लाइन है, माइनस यहाँ से मिल जाएगा। आपका LED का कनेक्शन हो गया, अब हमें ऑन ऑफ स्विच का कनेक्शन करना है। ऑन ऑफ स्विच में 2 वायर कनेक्ट कर लेंगे, ऑन ऑफ स्विच का पहला वायर यहाँ आ जाएगा, दूसरा वायर यहाँ सप्लाई आउट हो जाएगा। तो आपका पहला वायर हम यहाँ शॉर्ट कर दिए, यह पावर यहाँ से आएगा और स्विच ऑन होने के बाद यहाँ पर पावर सप्लाई चला जाएगा, तो यह सर्किट हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ये भी हो गया रेडी, ये भी हो गया, अब इसमें पावर आ गया है। अब मैं आपको बताया था कि इसका इस तरफ वाला और इस तरफ वाला आल और एल होता है, यानी कि यह दोनों हमको ले लेंगे, लेफ्ट और राइट हमको बनाने की अलग से भी ज़रूरत नहीं है, हम इनको दोनों को लेकर एक साथ हमारे पिन नंबर 3 में कनेक्ट होगा दोस्तों। तो पिन नंबर सामने से गिनेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा ये इधर आ जाएगा दोस्तों, तीसरा यह है, इसका बीच वाला पहले नंबर पे आएगा, तो पहला नंबर इधर है आपका, यह पहले नंबर पे आएगा,
और सेंटर से आपका 5200 के बेस में कैपेसिटर के पास चला जाएगा नेगेटिव हिस्से में यहाँ पर, यानी कि यहाँ से यहाँ एक वायर हमें कनेक्ट करना है दोस्तों। आपका वॉल्यूम कंट्रोल के सेंटर पिन से बेस के 220 UF 25 वोल्ट के लेग पिन में आपको कनेक्ट करना है। वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ यहाँ पर हमें पावर सप्लाई देना है, तो हम पावर सप्लाई देख के चेक करेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों यह हमारा 12 वोल्ट का डीसी एडाप्टर है, 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा है ये, और हमारे पास इसके लिए फीमेल जैक नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम काट देते हैं, हमारे पास मजबूरी है, हम इसको काट के अलग कर देंगे और हमें यहाँ से दो वायर निकल जाएगा प्लस माइनस। यह प्लस माइनस दो वायर निकल गया दोस्तों। यह हमारे कैबिनेट के पीछे से होते हुए यहाँ आके लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो कैबिनेट का हम पीछे का रेडी कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा पीछे का हिस्सा है, ये पीछे की कटिंग है, इसे हम चिपका लेते हैं ऐसे। ये हमारा 12 वोल्ट डीसी का इनपुट है, यहाँ होल बना लेंगे ताकि हम यहाँ से अपना केबल घुसा सके। और यह स्पीकर आउटपुट है, इसमें भी हम होल कर लेते हैं, यहाँ से हम स्पीकर का आउटपुट निकाल लेंगे और यहाँ से हम डीसी 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। दोस्तों इसमें ऑक्स के बारे में आपको मैं नहीं बताया था, हम एक ऑक्स के लिए भी होल बना लेते हैं ताकि हम अपने मोबाइल से भी इसे चला करके आपको दिखा सकें। तो मैं यहाँ से मोबाइल पिन ऑक्स के लिए इनपुट दे रहा हूँ। ये हमारा 12 वोल्ट का एडाप्टर है, ये हमारा यहाँ से हम इसको ले लेंगे ऐसे। ये हमारा मोबाइल पिन है, तो मैं इसे भी इसमें से घुसा दे रहा हूँ। दोस्तों ये हमारा स्पीकर आउट है प्लस माइनस, इसे भी हम सोल्डिंग कर लिए हैं और इसे भी हम बोर्ड से बाहर निकाल लेंगे ताकि हम अपना स्पीकर इसमें कनेक्ट कर सकें। और उसके पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बांध लेंगे ताकि यह खिंचा करके सोल्डिंग आउट ना हो जाए। ये हमारा स्पीकर आउट है, हम यहाँ से स्पीकर आउट ले लेंगे, ये स्पीकर आउट हो गया दोस्तों, ठीक है। ये पीछे का साइड हो गया कंप्लीट, अब इसे सोल्डिंग करना है। सर्किट के अनुसार 12 वोल्ट हमें यहाँ पर प्लस और माइनस लगाना है, तो सर्किट हमारा यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो हम यहाँ पर इस 12 वोल्ट की सप्लाई को सोल्ड कर लेंगे हम। ये एडाप्टर का प्लस वायर है, प्लस वाली जगह पे सोल्ड कर दिया, यह माइनस है तो इसे माइनस वाली जगह पे सोल्ड कर देंगे। ये हमारा सप्लाई इन हो गया। ये आपका मोबाइल से जो पिन आया है उसमें प्लस और माइनस जो दो पिन आई हुई है, दोनों पिन को मैं एक साथ लपेट के यहाँ पर लगा दूंगा ताकि ये इन हो जाए यहाँ से। और इसका जो ग्राउंड वाला पिन है, ग्राउंड वाले पिन को मैं ईमीटर में लगाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। और दोस्तों लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खुला हुआ वायर है, ये अर्थिंग वायर खुला हुआ है जो पिन विन में छुआ सकता है और शॉर्ट हो सकता है, तो यह तरीका गलत है, हमें इसे पहले सील्ड करना ज़रूरी है ताकि यह काम करते हुए हिले तो किसी में छुआए मत और शॉर्ट हमारा ना हो और ये जो पैसे हमारे हैं इसमें लगे हुए ये बर्बाद ना हो, तो इसे हम पहले सील्ड कर लेंगे। ये हमारा सील्ड वायर है, इसे हम सील्ड ट्यूब है, सील्ड ट्यूब को हम लगा लेंगे और इसे हम ईमीटर में, यह जो मोबाइल से आया हुआ पिन है दोस्तों, मोबाइल से आया हुआ पिन का अर्थिंग वाला को हम ईमीटर में डायरेक्ट लगा देंगे। ये लग गया। अब इसे दोस्तों
सेट करना है। दोस्तों अब हमारा ये जो पूरा पुट्ठा है, इस पूरे पुट्ठे को सिस्टमेटिक रूप से हम यहाँ चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपके सामने यह रहा कार्डबोर्ड से बना हुआ एम्पलीफायर, मिनी 80 वाट का एम्पलीफायर। दोस्तों इसे बना करके पूरा रेडी कर दिया हूँ, और पीछे का हिस्सा है यह हमारा स्पीकर आउटपुट है। दोस्तों यह मोबाइल पिन की ऑक्स इन है, हम इसे मोबाइल में डाल करके आपको बजा के दिखाएंगे। और यह हमारा 12 वोल्ट का पावर एडाप्टर है 2 एम्पियर का। दोस्तों इस एम्पलीफायर में क्या कमी है? दोस्तों इस एम्पलीफायर में हमें सिर्फ एक ट्रांसफार्मर, जो हम एडाप्टर यूज कर रहे हैं, हमें इसके अंदर में एक ट्रांसफार्मर की कमी है, एक ड्राइवर बोर्ड की कमी है, और एक ऑडियो ट्रांसफार्मर की कमी है। उसको हम लगा लेंगे तो यह 5,000 से 7,000 रुपए का एम्पलीफायर आपका बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों इसे मैं चेक भी करूंगा, बजाऊंगा भी, उसके बाद वापस इसको तोड़ करके अंदर मैं आपको रीडिंग भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, हम इसे चेक करते हैं। दोस्तों यह स्पीकर का प्लस पॉइंट है, मैंने यह टर्न करके रखा हुआ है। ये आपका प्लस वाला वायर हो गया, इसे ज्वाइन कर देते हैं। और स्पीकर का यह माइनस वाला वायर है, इसे हम अलग कर देते हैं। और डिस्टेंस बना हुआ है, दूर दूर है। हमारा यह पावर एडाप्टर है, हमें बिजली देना है। थोड़ा सा एडाप्टर छोटा हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों। दोस्तों ये मैं ऑन कर रहा हूँ, हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया, USB प्लेयर भी ऑन हो गया है। और इसमें मैं पेन ड्राइव लगाता हूँ, ये USB लग गया। दोस्तों अब मैं पेन ड्राइव बाहर निकालता हूँ, अब हम मोबाइल से चला के देखेंगे। दोस्तों अब बारी है इसके अंदर के वोल्टेज चेक करने की, तो अब हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसके अंदर की वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या खोएंगे? जी हाँ, इसी प्रकार के आप इंटरेस्टिंग वीडियो, जो आपको नॉलेज गेन करेंगे, जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे मेरे वीडियो से, यह आप मिस करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी देने के साथ। दोस्तों बाय बाय।